आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दाइमर भाषा डैम भैया, ये जो डैम है, ये जो बांध है, बांध क्यों बनाया जाता है? फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके, हालांकि कई बार बांध फ्लड्स भी ला देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, ऐसा बोला जा रहा था कि जब ये डैम बन जाएगा, 272 मीटर ऊंचा डैम, 2500 वाट से ज़्यादा, मेगावाट से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करेगा, और उसके बाद इरिगेशन में हेल्प हो सके, टूरिस्ट स्पॉट भी होता है डैम। लेकिन दोस्तों, ये डैम पाकिस्तान में बनना था, सिंधु नदी पे बनना था, इंडस रिवर पे बनना था, ठीक है, ये इसकी साइट थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसमें 900 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ तक का घपला हुआ है। आप विश्वास करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इसको शुरू किया था, लेकिन यहां पे भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया है। देखिए, सिंधु नदी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पे फली फूली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिमालय से निकलती, हिमालय से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये लाइफलाइन है पाकिस्तान की। भारत अपर रिपेरियन स्टेट है, भारत चाहे तो पूरी तरीके से सिंधु नदी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। 1960 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, हम नैतिकता के साथ रहते हैं, लोगों की कोई गलती नहीं है, सरकार और फौजी वहां भी बेकार है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पे आप देख ही सकते हो कि ये सिंधु नदी पूरा पाकिस्तान को कवर करते हुए अरेबियन सी में गिरती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डैम बने हुए हैं, ढेरों डैम बने हुए हैं, और कई बार भारत ने भी इस पर आपत्ति जताई है कि गलत है ये, क्योंकि डैम से, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि नदी का भी डाइवर्जन होता है, और क्योंकि ये बॉर्डर है, नदी ये बॉर्डर है, तो उससे भारत को भी नुकसान है, तो भारत ने कई बार आपत्ति जताई है, ठीक है। तो अब इसी यहां पे ही ये जो डाइमर भाषा डैम, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, वो ठप्प है। अभी कैसे ठप्प पड़ा, इसकी बात हम करेंगे। आपको पता ही है कि क्योंकि हम भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान 1971 में जब आपस में भिड़े थे, उसका एक रीजन जो था, हालांकि बहुत ही स्लाइट रीजन था, बहुत ही छोटा रीजन था, बट ये नदी भी थी। इस नदी को लेके भी पानी, आगे आने वाले समय में ना पानी पे युद्ध होगा, उस समय हमने पाकिस्तान को करारा झटका दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा एक देश ही अलग कर दिया था। अब अगर उसकी कहानी आपको सुननी है, तो मैं ये ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा। किताब अब आपको नहीं पढ़नी है, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक आप कहाँ सुन सकते हैं? कोको FM पे। ये सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5 प्लस रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, और जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 50% ऑफ मिलेगा। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा कम पे दोस्तों, बहुत ही, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ऑफर है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, कूपन कोड को अप्लाई करिए, और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए। ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। और इस तरीके के नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म को हमको सपोर्ट भी करना चाहिए। अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। देखिए, अगर हम अपनी कहानी की बात करें, तो ये शुरू हुआ था 1980 से। 1980 में क्या हुआ, 1980 में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो बाद में बने, खैर उस समय साकिब निसार ने ये सोचा कि हमको डैम बनाना है, हमको बहुत बड़ा बांध बनाना है, और ये एक ऐसा बांध होगा जो पूरे पाकिस्तान को जगमग कर दे, उनको पानी भी दे, फ्लड से भी बचाए। फ्लड्स में अभी 1500 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, ये और आंकड़ा है ये, ठीक है। पूरा पाकिस्तान जो है वो डूब गया है। CEO समिट में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने काफ़ी इसका रोना रोया, और बहुत दुखद घटना थी, इट इज़ वेरी ट्रेजिक। तो अब साकिब निसार जो है, उन्होंने उस समय सोचा कि क्राउड फंडिंग है, सोचते हो कि मतलब लोगों से पैसा लेना, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, आप मुझे डोनेट कर दो, उस समय सोचा, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया। तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी ने यही बताया है कि साकिब निसार ने 2018 में ये बोला कि एक काम करते हैं, अभी बिल्कुल सही मौका है, रिटायर हो गए वैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी बिल्कुल सही मौका है, और लोगों से अपील की कि आप जो है ये डैम बनाने में हमारी मदद करो, ये पाकिस्तान को बदल के रख देगा। तो अब लोगों ने $40 मिलियन रेस किया। आपको पता है टोटल कॉस्ट हालांकि $6 बिलियन के आसपास थी। अब यहां पे रेज हुए पैसे, लेकिन तकरीबन $5 बिलियन के करीब, क्योंकि टोटल पैसे जो है
वो उतने नहीं रेज हो पाए जितने होने चाहिए थे, ठीक है। तो $40 मिलियन मतलब लगभग 900 करोड़ जो है वो रेज किया। आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी थे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, और सबसे बड़ी बात इसमें आम इंसान थे। आम लोगों ने अपना पेट काट के यहां पे पैसा दिया, समझ रहे हो। लेकिन दोस्तों ये पैसा कभी यूज ही नहीं हुआ। साकिब निसार ने ये बोल दिया है कि ये जो पूरा का पूरा पैसा था, ये जो पूरा का पूरा पैसा था, ये हमने अवेयरनेस के लिए, ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए हमने इसको यूज किया था कि लोग जो हैं वो अवेयर हो जाएं, लोगों के अवेयर। हम ये हमारा मोटिव था ही नहीं कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, हम बस लोगों में अवेयरनेस। क्या मजाक कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए आपने 900 करोड़ फूंक डाले। और यहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी ने एक और चीज बताई है, 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए तकरीबन, $40 मिलियन नहीं, $63 मिलियन सिर्फ एडवर्टीजमेंट में। मतलब पैसा $40 मिलियन आया लेकिन एडवर्टीजमेंट में कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, 63 मिलियन, 1400 करोड़ रुपए। तो आप एक बात बताइए कि ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया, ये तो बहुत बड़ा घपला कर दिया। यहां पे वाइस ने इनको रिपोर्ट किया, $1 बिलियन, $6 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट था और यहां पे $1 बिलियन ही जुटा पाए थे, तो $5 बिलियन का इसमें थोड़ा गैप आ रहा था। तो ये प्रोजेक्ट ही अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब इमरान खान जो है उस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस लीडरशिप को लिया। लेकिन यहां पे निसार ने अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले यह बताया कि इंटरव्यू में कि यह प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने ही नहीं था, यह सिर्फ हमने अवेयरनेस के लिए, ताकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अवेयर हो जाए। अब उसके बाद यहां पे दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। एहसान इकबाल ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोला कि ये जो अमाउंट है ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट पे गया है, पूरा का पूरा पैसा वेस्ट है। तो पैसा गया कहां जब डैम नहीं बना, $63 मिलियन के करीब जो है वो पूरा एडवर्टीजमेंट पे गया है। तो अब यहां से दिमाग खराब होना शुरू हुआ है। और दोस्तों ये जो मामला है ये तूल पकड़ेगा। यहां पे बुलाया है मिस्टर निसार को कि आप एक्सप्लेन करो, आपने लोगों से पैसा मांगा, हर किसी ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स, एक्टर्स, हर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो ये आप डीप रूटेड करप्शन देख सकते हो पाकिस्तान में, है ना, कि भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाओ, पैसे लो और फिर छू मंतर हो जाओ। तो ये लेक्चर था। और अभी देखिएगा ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा इनकी नेशनल असेंबली में। ये शानदार ऑडियो बुक जो है वो आप सुन सकते हैं, कहाँ पे सुन सकते हैं, कुकू एफएम पे। और कुकू एफएम की बात करें तो सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। कूपन कोड आप यूज़ करिए SGS50, 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जो भी खबर आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि पाकिस्तान के इतिहास का ये सबसे बड़ा करप्शन है। यस, ये मैं इसको करप्शन ही बोलूंगा, ठीक है। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।